दोस्तों, मेरे चैनल अंशदीप रेसिपीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही स्वादिष्ट, बिना फ्राई, बहुत ही हेल्दी वे में बने शाही टुकड़े की रेसिपी, और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, यकीन मानिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस स्वादिष्ट से शाही टुकड़े की रेसिपी को। यहाँ मैंने 1 लीटर दूध ले लिया है, उसे हमें अच्छे से उबालना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। तो इसे चलाते हुए हमें उबालना है और ऊपर जो ये मलाई जमती है ना, उसे भी इसमें मिक्स करते हुए हमें इसे उबालना है जब तक कि ये गाढ़ा ना हो जाए। ये जितना अधिक गाढ़ा होगा ना, उतनी ही टेस्टी हमारी रबड़ी बनकर होगी तैयार। यहाँ मैं डाल रही हूँ मलाई, ये नॉर्मल मलाई है जो दूध के ऊपर जमता है ना, उसे मैं यहाँ डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना, इसका टेक्सचर बहुत ही स्मूथ, क्रीमी सा हो जाएगा और बहुत स्वादिष्ट लगेगा ये। साथ ही मैंने इसमें डाला है दूध में भिगोया हुआ केसर। यहाँ मैंने 6 से 7 केसर के धागे ले लिए और उसे गर्म दूध में डुबा दिया था। और इसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच शक्कर। ज़्यादा शक्कर मैं यहाँ यूज़ नहीं कर रही हूँ। साथ ही यहाँ मैंने ले लिया है इलायची का पाउडर। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसे। शक्कर भी मैंने यहाँ कम ही डाला है, आप अपने स्वाद के अनुसार शक्कर एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर 1 छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं डालना है, 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लोर। और उसमें 2 चम्मच दूध डालकर मैंने इसे मिक्स कर लिया बिना लम्स का। और अब इसे हम डाल देंगे अपने इस दूध में जिसे हमने उबाला है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा ना, थोड़ा ये गाढ़ा हो जाएगा और इसकी थिकनेस थोड़ी अच्छी हो जाएगी। टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बल्कि बहुत स्वादिष्ट ही लगेगा। और इसमें मैंने डाल दिया है कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स में मिला सकते हैं। अब देखिए, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद बहुत जल्दी ये दूध गाढ़ा हो जाता है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी सा दूध बनकर हो जाता है तैयार। तो इसे अब हम ऐसे ही ठंडा होने के लिए रख देंगे, तब तक चलते हैं अपने आगे के प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ हमने ले लिया है ब्रेड, ब्रेड के किनारों को निकाल दें, यदि आप चाहें तो रख भी सकते हैं। और ये जो ब्रेड के साइड्स निकलते हैं ना, उसे फेंकिएगा मत, इससे बना लीजिए ब्रेड क्रम्स, तो ये यूज़ भी हो जाएंगे और वेस्ट नहीं जाएंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये तैयार है, कटकर मैंने साइड काट लिए हैं। अब इसे मैं छोटे छोटे चौकोर टुकड़ों में काट रही हूँ। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है, और काटने के बाद हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है, बस सेकना है। नॉर्मली शाही टुकड़े में ब्रेड को फ्राई करके बनाया जाता है, बट हम इसे सेक लेंगे। तो लीजिए दोस्तों, ये तैयार है सारे ब्रेड कट कर। तो चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ मैंने गर्म कर लिया है एक तवा, तवे में मैंने डाल दिया है 1 चम्मच से भी कम मैंने यहाँ घी डाला है। और उसके बाद अच्छे से गर्म कर लेंगे तवे को पहले, और गर्म होने के बाद हम कर लेंगे आंच को बिल्कुल धीमा, और हम डाल देंगे ब्रेड को, और ऊपर से भी हमें थोड़ा थोड़ा घी इसमें अप्लाई कर देना है इस तरह से, और धीमी आंच पर ही हमें इसे सेकना है। क्योंकि जब हम धीमी आंच पर इसे सेकेंगे ना, तो ये बहुत ही कुरकुरे से बन जाते हैं दोस्तों, एकदम टोस्ट की तरह। तो हमें इसे फ्राई करने की यहाँ आवश्यकता नहीं है, हमें इसे धीमी आंच पर ही सेकना है। टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मगर ये हेल्दी तरीका है, इस तरह से हमें इसे बनाना है। तो लीजिए दोस्तों, ये सिककर तैयार है। एक बार फिर से मैंने इन्हें उलट पलट कर सेक लिया है, आंच लेकिन धीमी ही रखेंगे। मैं आपको एक दिखाती हूँ कि ये कितने अच्छे से कुरकुरा सा बना है, आवाज़ सुनिए आप इसकी। तो सुना आपने, बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी सा ब्रेड बनकर हमारा हो गया है तैयार। अब मैंने यहाँ गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर दिया है, और गर्म तवे पर इसे थोड़ी देर रहने देंगे, जिससे ये बहुत अच्छे से टोस्ट हो जाएगा। बीच बीच में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जलना नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं हमारी रबड़ी को, वो ठंडी भी हो चुकी है और बहुत गाढ़ी भी हो चुकी है। देख सकते हैं आप कितनी गाढ़ी हो गई है ये ठंडी होकर, और हमारा ब्रेड भी हो गया है तैयार। तो चलिए अब इसे मैं एक बार और आपको दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से टोस्ट हुए हैं। मैंने इसे तवे पर ही थोड़ी देर छोड़ दिया था। सुना आपने, कितना बढ़िया टोस्ट हुआ है दोनों ही तरफ से, है ना। तो चलिए अब इस डब्बे में मैं इसे असेंबल करूँगी, आप किसी भी बर्तन में इसे ले लीजिए। और यहाँ सबसे पहले मैंने डाला है अपनी स्वादिष्ट सी रबड़ी को, और ऊपर से इसमें डाल दूंगी ब्रेड की 1 लेयर, और वापस से रबड़ी की 1 लेयर। इसी तरह से 2 लेयर मैंने यहाँ तैयार की है ब्रेड और रबड़ी से, और वापस से इसे स्वादिष्ट सी रबड़ी से कर देंगे कवर। ये लीजिए दोस्तों, ऊपर से मैंने डाल दिया है ड्राई फ्रूट्स, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी ड्राई फ्रूट्स यूज़ कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरह से अलग से भी प्लेटिंग कर सकते हैं ब्रेड, और उसके ऊपर डाल दीजिए रबड़ी। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही टेस्टी,
बिना ब्रेड को फ्राई किए बहुत ही हेल्दी वे में मैंने बनाया है और बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। यकीन मानिए दोस्तों, एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और यदि मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।